Hello friends, welcome back. Thank you so much for your support and watching my videos. And yeah, I'm really thankful for Sukhbir Vidhi sir. Thank you so much sir. Without your support, I don't think main yahan hoti. So thank you so much for encouraging me and forcing me. Thank you. Really, I'm really thankful for to you sir. So aaj hamara topic rahega plants, their botanical names, families, economic इम्पोर्टेंस. तो उसके आज कुछ एक्सटर्नल फीचर्स भी अपन देख लेंगे और प्लांट्स के बोटेनिकल नेम्स एंड फैमिलीज भी हम पढ़ लेंगे. तो सबसे पहले हमारा प्लांट है, आप देख सकते हैं, पोमोग्रेनेट अनार. सो इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है प्यूनिका ग्रेनेटम. और इसकी जो फैमिली होती है वो कौन सी होती है, प्यूनी केसी. तो आप इसके प्लांट्स, इस प्लांट के आराम से आपको दिख रहे हैं, फ्रूट्स भी दिख रहे हैं. तो इस तरीके से ये प्लांट होता है. उसके बाद अपन देखते हैं अगला प्लांट है अपना मौसमी. सो मौसमी जो प्लांट होता है उसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है सिट्रस साइनेंसिस. और इसकी फैमिली जो है वो कौन सी होती है, रूटेसी फैमिली होती है. उसके बाद अपना नेक्स्ट प्लांट है अंगूर. ये है अंगूर. अंगूर जो है एक वल्लरी प्रकार का प्लांट होता है, इनकी बेल इसकी लगती है. और इसमें इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है वाइटिस विनिफेरा. और इसकी जो फैमिली होती है वो होती है वाइटेसी फैमिली. उसके बाद अपना जो अगला प्लांट है वो हम लेंगे शहतूत. अगला प्लांट है शहतूत, जो आप आराम से अभी आपको दिखाती हूँ. ये अपना प्लांट है शहतूत. शहतूत इसके आप देख सकते हैं इसके फ्रूट्स भी लगे हुए हैं, कैटकिन टाइप के इसके फ्रूट लगते हैं. और इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है मोरस एल्बा. और इसकी फैमिली है मोरेसी फैमिली. इसकी फैमिली कौन सी है, मोरेसी फैमिली. अगला प्लांट है अपना नींबू. तो ये आप देख सकते हैं नींबू, इसमें कुछ नींबू लगे हुए भी हैं. तो ये जो प्लांट है इसका जो बोटेनिकल नेम होता है, ये क्योंकि सिट्रस स्पीसीज है, खट्टी होती है, तो इसका जो बोटेनिकल नेम है वो बोटेनिकल नेम इसका है सिट्रस ओरेंटिफोलिया. और इसकी फैमिली है रूटेसी फैमिली. इसकी फैमिली हो गई रूटेसी फैमिली. उसके बाद अपन देखते हैं सदाबहार. अगला प्लांट अपना है सदाबहार. ये आप देख सकते हैं. तो इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो कैथेरेंथस रोजियस होता है. ये दवाइयों में काम में आता है, कैंसर वगैरह की जो दवाइयाँ होती हैं उनमें काम में आता है. और इसकी जो फैमिली होती है वो एपोसाइनेसी फैमिली होती है. इसकी फैमिली कौन सी हो गई, एपोसाइनेसी फैमिली. उसके बाद अपना नेक्स्ट प्लांट देखेंगे अपन खजूर. अगला प्लांट है अपना खजूर, जिसको अपन डेट भी बोलते हैं. तो इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो फिनिक्स डक्टाइली फोलिया होता है. और इसकी जो फैमिली है वो ऐसी कैसी फैमिली होती है, ये आप देख सकते हैं, खजूर इजीली आपको दिखाई दे रहा है. उसके बाद अपना अगला प्लांट है, अगला प्लांट अपन लेंगे आंवला. तो आंवला जो यू फोरबियसी फैमिली से बिलोंग करता है. आंवला जो है वो कहाँ से बिलोंग करता है, यू फोरबियसी फैमिली. और आंवला का जो नाम होता है वो होता है अम्बेलिका ऑफिसिनेल्स. ओके, अम्बेलिका ऑफिसिनेल्स. सो अगला जो अपना प्लांट है वो है बील. बील का जो बोटेनिकल नेम होता है, ये आप देख सकते हैं बील का प्लांट. तो बील का जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है ईगल मार्मेलोस. और इसकी फैमिली होती है रूटेसी फैमिली. इसकी फैमिली कौन सी हो गई, रूटेसी फैमिली. उसके बाद अपन देखते हैं अशोका. अशोका जो है उसका बोटेनिकल नेम होता है सराका इंडिका. उसके बाद अपना अगला जो प्लांट है वो अपन देखेंगे मीठा नीम. अगला प्लांट जो मीठा नीम जो होता है उसका जो बोटेनिक, इसको अपन करी, जो करी लीव भी बोलते हैं इसकी पत्तियों को, ये आप देख सकते हैं इजीली. और इसका जो प्लांट का जो बोटेनिकल नेम है वो है मोराया केनिगाई. और इसकी फैमिली भी कौन सी है, रूटेसी फैमिली है. उसके बाद अपना अगला प्लांट है अरंडी. तो इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है रेफेनस कम्युनिस. इसका जो बोटेनिकल नेम है वो रेफेनस कम्युनिगिस है, कम्युनिस है. और इसकी जो फैमिली है, फैमिली इसकी यूफोरबियसी फैमिली, यूफोरबियसी फैमिली से बिलोंग करता है. उसके बाद अपन देखेंगे ये है अपना देशी बबूल. देशी बबूल जो है, ये आप देख सकते हैं इजीली, इसका जो प्लांट है देसी बबूल जो प्लांट है इसका जो बोटेनिकल नेम है वो एकेशिया नाइलोटिका है. और इसकी फैमिली है माइमोसेसी फैमिली. उसके बाद अपन अगला प्लांट अपना देखेंगे चीकू. अगला प्लांट जो है वो अपना है चीकू. चीकू का जो बोटेनिकल नेम होता है वो मनीलकारा एकरस होता है. और इसकी जो फैमिली है मनीलकारा एकरस. और इसके इसका क्योंकि इसका जो इंग्लिश में जो अपन नाम कहते हैं वो होता है सेपोटिस. तो अपन इसकी जो फैमिली इसके नाम के अकॉर्डिंग अपन याद कर सकते हैं, सेपोटिलियस इसकी फैमिली होती है. ये आप देख सकते हैं इजीली चीकू का प्लांट, जैसा कि आपको दिख रहा है, ये हो गया चीकू. उसके बाद अपन देखेंगे एलियम सेटाइवस यानी कि लहसुन. और इसकी फैमिली है लीलियसी. तो ये आप इजीली देख सकते हैं एलियम सेटाइवस. उसके बाद
अपना जो अगला प्लांट है वो है डलबर्जिया शीशु, यानी कि शीशम। ये आप देख सकते हैं शीशम है, और इसके जो लीफ जो फ्लावर फ्रूट्स लगते हैं वो अपरिपक्व शिम्ब यानी कि इमेच्योर लेग्यूम होते हैं। और इसका बोटेनिकल नेम हो गया डलबर्जिया शीशु, और इसकी फैमिली फैबेसी, क्योंकि जो लेग्यूम होते हैं लेग्यूमिनेसी या फैबेसी फैमिली होती है, जो क्या करते हैं इनके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन सिंथेसिस का जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य ये करता है राइजोबियम बैक्टीरिया। उसके बाद अगला प्लांट है बैंगन। बैंगन का जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है मेलोंजिना सोलेनम मेलोंजिना, जो कि सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये आप इजीली देख सकते हैं ये बैंगन का प्लांट है। उसके बाद अगला जो अपना प्लांट है वो है मूली, इनकी रेफेनस सेटाइवस, जो कि सोलेनेसी ब्रैसिकेसी फैमिली से बिलोंग करती है। ये सरसों जो फैमिली है, सरसों वाली जो फैमिली है ब्रैसिकेसी, उससे ये बिलोंग करती है। तो ये आप आराम से इसको देख सकते हैं। उसके बाद इसी के अंदर आप देख सकते हैं धनिया भी है। तो इसका जो इंग्लिश नेम होता है कोरिएंडर, और इसका जो बोटैनिकल नेम है वो कोरिएंड्रम सेटाइवस होता है, और ये एपिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। उसके बाद इसके साथ ही आप पालक, तो जो पालक होता है उसका नाम होता है स्पाइनेशिया ओलेरेशिया। तो स्पाइनेशिया जो ओलेरेशिया है उसकी फैमिली है चिनोपोडिएसी फैमिली। उसके बाद अपन देखेंगे अगला अपना प्लांट है वो है एलोवेरा, यानी कि घृतकुमारिया एलोवेरा जिसको अपन बोलते हैं। तो इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो एलोए बारबिडेंस होता है, और इसकी फैमिली जो है लीलिएसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। ये आप देख सकते हैं इजीली, ये एलोवेरा हो गया। उसके बाद अपन अगला प्लांट लेंगे अपना गोसिपियम स्पीसीज, यानी कॉटन। कॉटन जो है गोसिपियम स्पीसीज जो है, इसकी जो फैमिली है वो मालवेसी फैमिली होती है। कौन सी फैमिली होती है? मालवेसी फैमिली। तो ये आप इजीली देख सकते हैं, इस पर कॉटन भी लगी हुई है। और मैंने बताया था लास्ट टाइम कि मालवेसी जो फैमिली होती है उसके जो लीफ के ऊपर स्टार शेप जो हेयर्स मिलते हैं, तो आप इसमें इजीली देख सकते हैं लीव्स के ऊपर स्टार शेप्ड हेयर्स मिलते हैं। तो ये कौन सा हो गया? गोसिपियम स्पीसीज। उसके बाद अपन अगला प्लांट देखेंगे अपना प्रोसोपिस सिनेरेरिया, जो राजस्थान का अपना जो राज्य वृक्ष है वो क्या है? खेजड़ी। तो खेजड़ी का अपन देखेंगे, ये आप इजीली ऊपर देख सकते हैं, ये खेजड़ी है। तो खेजड़ी जो है उसका जो उसकी फैमिली वो वही माइमोसेसी फैमिली से ये बिलोंग करती है। उसके बाद अपना अगला जो प्लांट है वो अपन देखेंगे आक। आक जो है, आक का जो बोटेनिकल नेम होता है वो कैलोट्रोपिस प्रोसेरा होता है, और इसकी जो फैमिली है वो एस्कल्पिडेसी फैमिली है। और इसमें एक जो पंचकोणीय या फिर पेंटागोनल एक स्ट्रक्चर मिलती है, जिसके अंदर क्या होते हैं पुंकेसर पाए जाते हैं। इसका एक कैरेक्टर होता है, ये सफ़ेद आँख है, आप इसको ईजिली देख सकते हैं, मेजर आउट कर सकते हैं। सो अपना नेक्स्ट प्लांट है पाइसम सेटाइवम, यानी कि मटर, जो कि फैबेसी फैमिली या लेगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। जो मैंने पहले बताया था कि नाइट्रोजन में उसे फिक्सेशन का जो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है कार्य करता है। तो मटर बिल्कुल छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे लगे हुए हैं। तो ये अपने हैं पाइसम सेटाइवम, जिसपे मेंडल ने भी अपने जो प्रयोग किए थे वो किस पे किए थे? पाइसम सेटाइवम या उद्यान मटर जिसको बोलते हैं, उस पर वो करता है, उस पर उन्होंने प्रैक्टिकल किए थे। उसके बाद अपना अगला प्लांट है डोकस कैरोटा, जिसको अपन बोलते हैं गाजर, डोकस कैरोटा कैरेट, और इसकी फैमिली है एपिएसी फैमिली। जो उसके बाद आप ये देख सकते हैं, ये हो गया डोकस कैरोटा। उसके बाद अपना अगला प्लांट है भिंडी, ओकरा। इसका जो बोटेनिकल नेम है, इसका बोटेनिकल नेम होता है एबल मास्कस एस्कुलेंटम, और इसकी फैमिली मालवेसी। सो ये आप देख सकते हैं, ये हो गया एबल मास्कस एस्क्यूलेंटम। उसके बाद अगला जो अपना प्लांट है वो है तुलसी, जो हर घर में पूजा की जाती है तुलसी की, जो एक बहुत ही धार्मिक और औषधीय पादप है, धार्मिक दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है और वैसे भी। तो इसकी जो फैमिली है वो है लेमियसी फैमिली, और इसका जो बोटेनिकल नेम उसका हो गया ओसिमम सैंकटम। ये आप देख सकते हैं, ये प्लांट है तुलसी। उसके बाद अगला अपना प्लांट है वो है मेहंदी। मेहंदी का जो बोटेनिकल नेम होता है वो लोसोनिया इनमिर्स होता है, और इसकी फैमिली होती है लिथरेसी फैमिली। इसकी फैमिली कौन सी है? लिथरेसी फैमिली। उसके बाद अपना अगला प्लांट है सरसों। तो सरसों जो है उसको अपन बोलते हैं ब्रैसिका
कंप्रेस्टिस और इसकी फैमिली है ब्रैसिकेसी फैमिली। उसके बाद अगला अपना प्लांट है वन तुलसी, जिसको अपन नॉर्मल लैंग्वेज में मरुआ भी बोलते हैं, जो वाष्पशील तेल वगैरह बनाने में काम में आती है। तो इसका जो नाम होता है वो होता है ओसिमम बेसिलकम, और क्योंकि तुलसी वाली फैमिली से ही बिलोंग करती है इसलिए इसकी फैमिली हो गई लैमिएसी फैमिली, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद अगला अपना प्लांट है फलों का राजा, किंग ऑफ फ्रूट्स, आम। सो आम जो है उसका बोटेनिकल नेम सबको पता है, मैंजीफेरा इंडिका, और इसकी फैमिली है एनाकार्डिएसी फैमिली। तो ये आप देख सकते हैं, ये हो गया अपना आम। उसके बाद अगला अपना प्लांट है धतूरा, जो शिवजी भी इसके लिए फेमस माने जाते हैं, और इसे अपन बहुत सारी पेन किलर्स है, ये दवाइयाँ वगैरह इसे बनाई जाती हैं। तो ये जो धतूरा है ये हमारा ब्लैक कलर का धतूरा है, इसलिए इसका जो बोटेनिकल नेम है धतूरा मिटल, और इसकी जो फैमिली है वो सोलेनेसी फैमिली है। अगर अपन हरा धतूरा देखते हैं तो धतूरा स्ट्रोंशियम, और सादा जो धतूरा होता है उसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो धतूरा इनोक्सिया होता है। उसके बाद अगला जो अपना प्लांट है, उसके बाद अगला प्लांट जो लास्ट टाइम अपन ने लिया था गुड़हल, उसका बोटेनिकल नेम होता है, इसको अपन चाइना रोज बोलते हैं, और इसका जो बोटेनिकल नेम है वो हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, और फैमिली कौन सी थी मालवेसी फैमिली। उसके बाद अगला अपना प्लांट है जो सर्दियों में बहुत खाया जाता है, जिसका फ्रूट जो प्लांट है बेर चाइनीज डेट। तो इसका जो बोटेनिकल नेम है वो होता है जिजीफस मॉरिशियाना, और इसकी जो फैमिली है वो होती है रेहम नेसी फैमिली। उसके बाद अगला अपना प्लांट है अपना राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा, जो उसकी जो लकड़ियाँ होती हैं वो बहुत मतलब इकोनॉमिकल इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। तो इसको मारवाड़ टीक भी बोलते हैं, और इसका जो बोटैनिकल नेम होता है वो टीकोमेला अंडुलेटा होता है, और इसकी जो फैमिली होती है वो बिग्नोनियसी फैमिली होती है। उसके बाद अपना अगला जो प्लांट है वो है पपीता, अगला प्लांट अपना है पपीता, जिसको अपन बोलते हैं कैरिका पपाया, और इसकी जो फैमिली होती है वो कैरिकेसी फैमिली होती है, आप देख सकते हैं ये अपना है पपीता। उसके बाद अपना जो अगला प्लांट है वो अपन लेते हैं मूंगफली, तो मूंगफली जिसको अपन गरीब का काजू भी बोलते हैं, और इसको ग्राउंड नट भी बोलते हैं, पीनट भी बोलते हैं। तो इसका जो बोटेनिकल नेम है वो अरेकिस हाइपोजिया होता है, और इसकी फैमिली फैबेसी फैमिली। सो ये आप देख सकते हैं, क्योंकि इसकी रूट्स के अंदर मूंगफली जो है वो इसकी रूट्स के अंदर लगती है, और जैसा कि अपन और भी पढ़ चुके हैं, जैसे जो मटर है उसमें भी अपरिपक्व शिंब होता है, और उसमें कैप्सूल टाइप में फ्रूट लगते हैं, और जो उसका जो प्लांट होता है फ्लोवर होता है वो एक तितली के समान होता है, जो पैप्लियोनेटी फैमिली, क्योंकि इसीलिए उसको कौन सी फैमिली भी कहते हैं, पैप्लियोनेटी या सेजलबिनोइडी फैमिली भी कहते हैं। उसके बाद अगला अपना प्लांट है सैकेरम ऑफिसिनेल्स, ये गन्ना, ये क्योंकि घास कुल से बिलोंग करता है इसलिए ये इसका नाम हो गया सैकेरम ऑफिसिनेल्स, और इससे अपन शुगर जो है वो फॉर्मेशन करते हैं, शक्कर गुड़ ये सब भी बनाते हैं। उसके बाद अपना जो अगला प्लांट है वो है जामुन साइजीजियम क्यूमिनाई, इसका जो नाम होता है वो टेक्निकल नेम होता है साइजीजियम क्यूमिनाई होता है, और इसकी फैमिली जो है वो मिर्टेसी फैमिली है। जामुन जो है वो बेरी टाइप का फ्रूट होता है, और अपन जो है घास कुल में अपन और भी प्लांट देखते हैं, जैसे गेहूं है जो अभी लगे हुए नहीं है क्योंकि इसका ये टाइम नहीं है, तो जो घास कुल में प्लांट है वो गेहूं है, बाजरा है, गेहूं का टिट्रिकम सेटाइव एस्टिवम, और बाजरा का पेनिसिटम अमेरिकाना, चावल का ओराइजा सेटाइवा, जो सारे किससे बिलोंग करते हैं, घास कुल से बिलोंग ये करते हैं। उसके बाद जो है अगला प्लांट अपन देखेंगे राई, जो उसको बोलते हैं सिकेल सीरियल्स, और इसकी जो फैमिली है राई की सिकेल सीरियल्स, इसकी फैमिली जो है ब्रैसिकेसी फैमिली है वो ये आप देख सकते हैं इस पे इसके प्लांट्स जो है वो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू।